विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में हुई। बैठक में देश भर से आए प्रमुख साधु संतों ने लव जिहाद, धर्मांतरण, समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को लेकर कई प्रस्ताव पास किए, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा गया। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश के कई राज्यों में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, उसे खत्म करने को लेकर साधु संतों ने आग्रह किया है। सरकार सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नियंत्रण रखती है, जबकि मुस्लिम और ईसाई मशीनरी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आलोक कुमार ने कहा कि वक्फ बोर्ड का कानून हिंदू हितों के विरोध में है। इस कानून के तहत मुस्लिम लैंड माफिया हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में समलैंगिकता को लेकर भी चर्चा की गई है, इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार इस पर कानून बनाए। मुख्य रूप से 2-3 विषयों के ऊपर समाज का मार्गदर्शन हो, इसलिए सभी पूज्य धर्माचार्यों ने, संतों ने यहाँ पर चिंतन किया है। एक तो पूर्ण देश भर में अनेक राज्यों में मंदिरों के ऊपर जो सरकारी नियंत्रण है, उससे मंदिरों की मुक्ति करना होना, यह आग्रह सभी पूज्य संतों ने रखा है। हिंदू मंदिरों का जो नियंत्रण है वह एक पक्षपाती बात भी है, क्योंकि चर्च या मस्जिद के ऊपर सरकारी नियंत्रण नहीं है। साथ साथ में वक्फ बोर्ड जैसे और वक्फ के कानून जैसे जो कुछ कानून आए हैं वह हिंदू हितों के एकदम विरोध में है, और इस कारण से उसके पीछे छुपकर अनेक मुस्लिम लैंड माफिया भी हिंदुओं के जमीनों के ऊपर और प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और इसीलिए पूज्य संतों ने इसके विरुद्ध भी अपना रोष व्यक्त किया है। हिंदू जीवन मूल्यों के विरुद्ध जिस तरह के विषय, जैसे विवाह बाह्य संबंधों के विषय है, समलैंगिक विवाहों के विषय है, कि जो भारत की हिंदू परंपराएं हैं, अत्यंत प्राचीन विवाह जैसे अत्यंत पवित्र संस्कार है, इनको ध्वस्त करने के लिए इस तरह के विषय आ रहे हैं। केवल व्यक्तिगत सुख भोग के लिए इतनी प्राचीन परंपराओं के ऊपर कुठाराघात करना, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इस विधानसभाएं, लोकसभाएं, इन्होंने कानून बनाने का कार्य करना चाहिए। जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि कई राज्यों में हमारे मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, सरकार हमारे मठ मंदिरों में अपना अधिग्रहण छोड़े। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी संपत्ति से अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के मामले पर अवधेशानंद गिरी ने कहा कि अवैध मजारों के साथ मंदिरों को भी हटाया गया है। ये चिंता का विषय है कि मजारे उत्तराखंड में काफी संख्या में बनी हुई हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि उत्तराखंड में कौन घुसपैठिए घुस रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के ये सारे संत मिलकर पुरजोर विरोध व्यक्त करते हैं। मैंने उच्चतम न्यायालय से हमने प्रार्थना की है, पत्रों के माध्यम से बार बार हम अलग 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 मंचों पर यह स्वर मुखर कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति, संस्कार, विचार और हमारी सभ्यता को इस तरह से ध्वस्त करने के लिए एक षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है। समाज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर किस प्रकार की एक दूषित मानसिकता बनी है, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, वो किस तरह से विधि पूर्वक रहेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। राज्य सरकारों ने हमारे मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है, और उन मंदिरों का जहाँ अपार संपदा है, न केवल हमारा दान, हमारी संपत्तियाँ और हमारे समग्र अधिकार उनके पास है। यहाँ पूज्य संतों ने भारी चिंतन किया और ये कहा है कि सरकारें हमारे मंदिरों का अधिग्रहण छोड़ें। उत्तराखंड सरकार का साहस और उनके सत्संकल्प को भूर भूर धन्यवाद कि उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाए हैं, वो अवैध किसी का भी हो। आप जब मजारों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, मंदिर भी हटे हैं उसमें। सरकार अवैध कब्जे हटाना चाहती है, लेकिन हाँ, दुर्भाग्य है कि उनमें मजारों की संख्या अधिक से अधिक है। क्यों, रेलवे की पटरी पर वहाँ लोग बैठे? रेलवे की पटरी पर कभी किसी का घर हो सकता है क्या? इस तरह से जो अवैध अतिक्रमण है,
उस पर सरकार चेती है, यहाँ कोई भी अतिक्रमण कभी नहीं चलेगा। हम तो यहाँ ऐसा कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, न केवल गांव में, गली मोहल्लों में, आश्रमों में भी, कि कौन घुसपैठी यहाँ रह रहे हैं, उनकी आईडी की जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।